एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था। एक बैठा बीजेपी के जो थे उनकी भी ऐसे ही की गई, भगा दिया गया। आप देखिएगा जो तरीका जो है काम करने का, चाहे गोपालगंज में जो हत्याकांड हो, वहां भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनको बचाया गया। चंपारण में भी एक पार्षद की हत्या की गई थी, वहां किसके विधायक थे, क्या कार्रवाई हुई। कटिहार में हमारे जो नेता थे उनको 27 गोली मारा गया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसको गोली ना लगी। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, बिहार पुलिस यानी जेडीयू पुलिस का एक ही तरीका है काम करने का। यहां बेसहारा बेचारे और जो हकदार हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं करती। यहां सुरक्षा जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर रही है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलिएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, इनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। आप बताइए, उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा करके आए, एक बीएसएफ अधिकारी की मार दिया गया। एक आर्मी से बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड, उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, एक बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पे शक है परिवार के लोगों का, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों का, जो पुलिस अधिकारी, उसी को जो है जांच का जिम्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब जो खुद कल्प्रिट है वो कहां से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।